हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग लैब। आज की वीडियो में मैं फ्रेश क्रीम, नॉन डेरी व्हिप क्रीम और व्हिपिंग क्रीम, इन तीनों क्रीम के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूंगी। आगे भी मैं इन क्रीम का यूज करके आइसक्रीम और बहुत सारे डेजर्ट बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको आज की ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम से शुरू करते हैं। ये अमूल कंपनी का फ्रेश क्रीम है। फ्रेश क्रीम की कंपनी स्टेट वाइज अलग रहती है, जैसे कि साउथ में नंदिनी, गोवा महाराष्ट्र में अमूल, नॉर्थ में मदर डेरी, बिहार में सुधा, पंजाब साइड वेरका। ये वाला सबसे छोटी साइज है और इसका 63 रुपीज मार्केट में प्राइस है। इसे मार्केट में लो फैट क्रीम या तो सिंगल क्रीम के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज के इसमें जो फैट परसेंटेज होता है वो सिर्फ 25% ही होता है, यानी कि बाकी की जो क्रीम प्रोडक्ट है उसके मुकाबले इसमें सबसे लो फैट होती है। ये टोटली मिल्क प्रोडक्ट है, यानी कि मिल्क में से बनाया जाता है, यानी मिल्क के ऊपर जो बटर या क्रीम जमा होता है उसके ऊपर प्रोसेस करके ये क्रीम बनाई जाती है। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए ज्यादातर रेसिपी में इसका यूज होता है क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए, जैसे कि फ्रूट सलाड या फिर कोई भी रेसिपी में आप इससे क्रीमी टेक्सचर ला सकते हैं। इसका यूज करके आप गनास या चॉकलेट सॉस भी बना सकते हैं और कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी या तो फिर हॉट चॉकलेट बनाने में भी क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर आइसक्रीम बनाने में आपको दूध को ज्यादा नहीं उबालना हो तो इसका यूज कर सकते हैं आप आइसक्रीम बनाने में। वैसे तो आप इसे फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, पर एक बार खोलने के बाद इसे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको यूज करना रहता है। 2 से 3 दिन के बाद ये बिगड़ जाता है और इसे खोलने के बाद आप इसे डीप फ्रीज में स्टोर नहीं कर सकते, यानी एक बार खोल देने के बाद इसे सिर्फ फ्रीजर में नॉर्मल टेम्परेचर में रखना होता है। ये बाहर बिल्कुल ही नहीं रखे वरना बिगड़ जाएगा। दूसरा क्रीम है डेरी व्हिप क्रीम। ये आपको अपने एरिया के हिसाब से कंपनी वाइज अलग ब्रांड का मिल जाएगा। ये भी फ्रेश क्रीम की तरह ही होता है, मिल्क प्रोडक्ट है ये, पर इसमें फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल भी केक फ्रॉस्टिंग या तो फिर व्हिपिंग के लिए ही किया जाता है। हाँ, पर गनास चॉकलेट सॉस बनाने में आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि जहाँ भी हैवी क्रीम का यूज करना है, जैसे कि केक फ्रॉस्टिंग या कोई डेकोरेशन क्रीम, वहाँ पे आप इस व्हिप क्रीम का यूज कर सकते हैं। ये शुगर फ्री रहता है, इसलिए अगर आप आइसिंग के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें शुगर और एसेंस डालना होता है। इसका इस्तेमाल भी आप आइसक्रीम बनाने में कर सकते हैं। इस क्रीम को खोलने के बाद आप इसे ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तीसरी क्रीम है नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम। बाहर के जितने भी बेकरी प्रोडक्ट आते हैं उसमें इस क्रीम का यूज होता है। ये प्रोडक्ट टोटल मैनमेड है, यानी कि ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। इसमें यूज किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स ऊपर लिखे हुए होते हैं, फिर भी मैं बता दूं कि ये एडिबल ऑयल में से बनता है, यानी कि वनस्पति घी में से। इससे भले ही आपको बाहर जैसा टेस्ट और रिजल्ट मिले, पर हेल्थ वाइज ये बहुत ही नुकसान करता है, इसलिए हो सके तो इसका इस्तेमाल कम कीजिए। इसका यूज कैसे करना है इसकी डिटेल वीडियो मैंने मेरी चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, जिसकी वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस क्रीम को आप 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 ईयर तक। इसे आपको डीप फ्रीजर में स्टोर करना है और जब आप इस्तेमाल करने वाले हो इससे 6 या 7 घंटे पहले आपको इसको निकाल के फ्रीज में रख देना है। वैसे तो इस क्रीम का यूज केक फ्रॉस्टिंग या तो फिर कपकेक के डेकोरेशन के लिए ज्यादा होता है, पर इस क्रीम का यूज करके आइसक्रीम बनाने की वीडियो मैं जल्द ही मेरे चैनल पे ला रही हूँ। यानी कि इन शॉर्ट, इन तीनों क्रीम का यूज करके आप आइसक्रीम तो बना ही सकते हैं। तो आइसक्रीम, डेजर्ट्स और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। और आई होप कि आज की ये क्रीम की इंफॉर्मेशन की वीडियो आपको काफी यूजफुल होगी। तो अगर आपको आज की ये इंफॉर्मेशन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए।